अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी इन मुर्गियों से स्टार्ट करते हैं। ये इन मुर्गियों को मैंने आज ही पूरे दिन धूप में रखा, जैसे कि आपको मैंने कल दिखाया था कि मैंने इनको बना के खिलाई थी, दवाइयाँ दी थी, कुछ वही चीज़ मैंने सुबह भी दी थी, उसमें एक्सरे मिला के। और देखें ये तो बिल्कुल सही होकर भाग रही है, और ये भी ना इसको पास आ रहे ना, तो ये पाँव पर थोड़ी बहुत खड़ी हो रही है। और आज मोर ने बहुत बुरी हरकत की है, इसने जो यहाँ पर हमने दीवार लगाई थी उसको पार करके इसने आके इसको बहुत मारा है। अभी देखिए हमने दीवार हटा दी लेकिन कपड़े से कवर कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार पता नहीं कहाँ से आ रहा है और उसको मार रहा है उसकी गर्दन पे, और मार के आके वापस आ जाता है इधर ही। तो अंदर चेक कर लेते हैं। तो इस रात को मैंने इधर बंद किया था वो जो न्यू वाली मुर्गियाँ जो बीमार है, और इधर मैंने नीचे बोरी बिछा के बंद किया था ताकि ना नीचे एकदम ठंड ना लगे इनके पाँव, क्योंकि रात को ठंडा हो जाता फ्रिज। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये नीचे अगर बैठे होंगे तो पाँव ठंडे होने की वजह से भी ये खराब हो, इनकी टाँगें खराब हो सकती हैं, तो ये वजह भी हो सकती है, इसलिए मैंने नीचे ना बोरी बिछा दी थी। इनका तो वैसे लकड़ी होती है, इनका इतना मसला नहीं है। तो अभी इनके बंद करने का टाइम हो चुका है, मैं इनको बंद कर देता हूँ। और जो बेचारा है हमारे बटेर की फीमेल है, ये बेचारी अकेली घूम रही है। और ये क्या, ये कौन से कीड़े घूम रहे हैं इधर? इधर स्प्रे करना पड़ेगा हमें, इधर जो मैंने स्प्रे किया था मुर्गी पर वही स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कीड़े बहुत ख़राब है इनके लिए, इनका खून चूसते हैं, खून चूसने वाले कीड़े हैं। अभी इन मुर्गियों की हेल्थ तो सही है, इन पर कीड़े वीड़े हर चीज़ खत्म हो चुकी है। इनकी मोल्टिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके पर भी देखें हमने जो इनको खिलाया था एवियन कैप्सूल उससे बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ बस इनके अंडे आने रह गया, उसके लिए भी मैं एक दफ़ा और इनको फिश ऑयल कैप्सूल खिलाऊंगा। ये देखें इनके पर आ रहे हैं न्यू। काफ़ी लोग कहते हैं आप अपने ब्लॉग को फिशेज नहीं दिखाते, तो मैं वो भी दिखाऊँगा। और आज हमें एक न्यूज़ पता चली कि हमारी जो हमारे पास दो फिशेज थी उसमें से एक फिश मर चुकी है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रह गई है। तो उसके एक्वेरियम के लिए भी हम और फिशेज लेके आएंगे। अभी फिश को भी फीड डालने टाइम हो गया, तो उनको भी डालते हुए आपको दिखाता हूँ। और जो हमारी बजीज है उनके लिए हमने ब्रीडिंग बॉक्सेस भी लगाने हैं, क्योंकि अभी सीजन आ चुका है उसमें ब्रीडिंग बॉक्सेस नहीं लगेगा उसके पिंजरे में, तो वो भी हमने लगाने हैं। आज मैं लेने गया था लेकिन मुझे मिल नहीं पाए। आइए मैं इनको जल्दी से बंद कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं फिशेज के पास। और इनके लिए ना मुझे इधर मट्टी डालनी पड़ेगी, इधर इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, क्योंकि सर्दी आ रही है ना, तो नीचे लकड़ी और ये चीज़ लकड़ी और फर्श ना ठंडा हो जाता है, जो कि इनके लिए सही नहीं है। मट्टी होगी ना तो थोड़ा सुकून रहेगा, नरम नरम रहेगा नीचे। तो गाइस मैं अभी बंद करने लगा था इनका, तो मैंने इधर बटे का पिंजरा हटाया, तो ये देखें कैसे छोटे छोटे कीड़े रहे हैं, और यही वो कीड़ा है जो इनका खून चूसता है। इसलिए कहते हैं कि मुर्गियों के पिंजरे में कहीं भी ना छुपने की जगह नहीं होनी चाहिए, जैसे थोड़ी बहुत लकड़ी सुराख वराख होते ही बंद करनी चाहिए। अभी हमारे बटे का पिंजरा था, इसके नीचे देखें कैसे क्या कीड़े पल रहे, और यही इन पर चढ़ के खून पी जाएंगे सारे इसका। मैं तो अभी स्प्रे कर देता हूँ, और इनके पिंजरों में दोबारा स्प्रे कर देता हूँ ताकि इन पर ये ना चढ़ें कीड़े। तो गाइस मैंने जब स्प्रे करने से अच्छा मैंने जब मुर्गी छोड़ दी, अब ये देखें सारे कीड़े खा जाएगी। अगर ये खा ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बाहर से नीचे बकने चाहिए इनकी बॉडी पे। तो गाइस मैं अभी आपको रिजल्ट भी दिखाया था जो हमने इनको एवियन कैप्सूल खिलाए थे। देखें इस मुर्गी की एक तो जो मोल्टिंग थी ना वो जल्दी कम्प्लीट हो गई है, और शाइन देखे परों पर। तो अब हम चलते हैं अपने बर्थ सेटअप पे। तो गाइस इनके पिंजरे हमने मटकी लगानी है, इसमें दो पेयर है और एक एक्स्ट्रा फीमेल है, एक तो ये मेल है और दूसरा ये मेल है, और ये तीन बाकी फीमेल है। इस पर हमें मटकी लगानी है, दो ही मटके लगाएंगे क्योंकि दो कंप्लीट पेयर हैं, और इन्होंने वो जो अंडा मैंने डाला था वो भी बड़े शौक से खाया था। तो अब मैं आपको बर्थ सेटअप की एक और फैमिली से मिलवाता हूँ, और ये है हमारे सेटअप की एक और फैमिली। ये तीनों मेल हैं, ये हमारे घर की ब्रीड है, मतलब ये हमारे घर पे ही एक पेयर ने अंडे दिए थे और उसमें चिक्स निकले थे। ये भी एडल्ट हो चुके हैं, इनके लिए फीमेल, इनके लिए भी हमने फीमेल लानी है, लेकिन हमें कोई मिल नहीं रही है। इसके अलावा और बर्ड्स भी हैं हमारे सेटअप पे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आपको दिखाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।